इस वक्त हैं हम रायबरेली के जिला कारागार में और मेरे साथ हैं यहाँ के जेल सुपरिंटेंडेंट पी के शुक्ला जी। मैं उनसे बात करूंगा इस विषय में। शुक्ला जी, इसी से बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे बताइए क्या था पूरा मामला। कारागार में कुछ शातिर किस्म के बंदी बनते हैं, इनके बारे में हम लोगों को खुफिया रिपोर्ट मिल रही थी। इनकी गतिविधियां सामान्य नहीं है और कुछ अवैधानिक एक्टिविटीज में लोग लगे हुए थे। उन बंदियों को हम लोगों ने यहाँ से ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके इनके बैरक और अच्छी तरीके से तलाशी कराई। तलाशी के दौरान खुफिया सूचना के आधार तीन मोबाइल छोटे और एक मल्टीमीडिया सेट बरामद हुआ, एक सिम कार्ड बरामद हुआ। उस पर वैधानिक कार्रवाई के लिए FIR करा दी गई और इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वैसे जो माना जाता है आमतौर पर कि रायबरेली शांतिप्रिय जेल है, क्या मतलब कहाँ कोई जो चूक हुई है आपस में, उसमें आपने क्या एक्शन लिया या आगे फर्दर क्या प्लान है दोबारा ऐसी कोई घटना ना? पहले भी जब भी कोई चूक पाई गई है तो कठोर कार्रवाई की गई है और इसमें भी जांच का विषय है। पुलिस की जांच में, हमारी जांच में कोई भी अगर किसी भी स्टाफ की कनाई में पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार शुक्ला, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके स्टाफ कभी अगर कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार। प्रदेश की जेलों में शांतिप्रिय जेल की पहचान बनाने में कामयाब रायबरेली का जिला कारागार आजकल सुर्खियों में है। मुख्तार अंसारी गिरोह के एक खास गुर्गे ने पिछले 2-3 महीने के अंदर रायबरेली जेल में गहरी पैठ कायम कर ली थी। 4 अन्य दुर्दांत अपराधियों के साथ मिलकर उसने जेल में एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। आनन फानन में जेल प्रशासन ने उसको तो तिहाड़ भिजवाया ही, जो 4 अपराधी थे उनको अन्य जनपदों में शिफ्ट किया। हाल ही में मोबाइल के साथ साथ एक सिम की भी बरामदगी हुई है। जेल प्रशासन ने उन 4 अपराधियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, तब कहीं जाकर स्थानीय प्रशासन अब चैन की सांस ले पा रहा है। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।